तो आज की मॉर्निंग है गार्डनिंग वाली, सुगंध एकदम फ्रेश, ऑक्सीजन से भरी हुई, और ऑक्सीजन की पूरी वीडियो में कोई कमी नहीं मिलेगी। मतलब मैंने क्लीनिंग, डस्टिंग और बाकी सब काम कर लिए हैं, बस पौधों को पानी देके अपना योगा स्टार्ट करना रहता है। तो गर्मी बहुत हो रही है, तो आप भी अपनी छत पे पक्षियों के लिए पानी रखना शुरू कर दीजिए, और आप भी मॉर्निंग में योगा के लिए 5 से 10 मिनट निकाल सकते हैं मॉर्निंग के। उसके बाद से चाहे आप टू लिस्ट में अपनी कुछ भी ऐड कीजिए, मतलब स्टडी का ही, बट ये कि सुबह के 5-10 मिनट अपनी हेल्थ को, अपने शरीर को जरूर। तो ये बैकवर्ड बेंडिंग है उष्ट्रासन, और ये मैं वज्रासन में आगे की तरफ बैंड हो रही हूँ, क्योंकि जब भी हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हम ज़्यादा बेंड कर लेते हैं तो वो दुखने लग जाता है एक तरफ से, तो इसलिए दोनों तरफ से करें। ये गोमुख आसन है, और ये योगा का चैनल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे आता है मैं सोचती हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। और फिर उसके बाद हमें सबसे फेवरेट सूर्य नमस्कार करना है, जो मैं 20 टाइम्स करती हूँ डेली, और कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ना करने से तो बहुत बेटर है। तो और फिर हम अपनी लाइब्रेरी की तरफ प्रस्थान कर दिए। रिसेंटली मैंने अपनी लाइब्रेरी चेंज की है, मतलब दूर थी पहले बहुत ज़्यादा, अब बहुत पास हो गए घर के, बहुत पास, क्योंकि समय बच जाता है, और बीच बीच में अगर जाना हो घर तो जा सकते हैं। वैसे है तो ये गलती बात, बट कोई बात नहीं। फिर मैंने करंट अफेयर्स, लास्ट वीडियो मैंने बताया था ना कि मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने शुरू किए हैं, कि बहुत छोटे छोटे, तो मैंने छोटी सी कॉपी बनाई है, मतलब इसमें मैं इस साल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाऊंगी छोटे छोटे, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस का अलग सेक्शन, और अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन का अलग सेक्शन, जिससे कि मुझे एग्ज़ाम में थोड़ी हेल्प हो और मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। वैसे तो मैं डेली के डेली कर रही हूँ, लेकिन जो पिछले हैं, जैसे कि आज मेरा टारगेट है कि मैं अपने जो शॉर्ट नोट्स में है ना, फरवरी के जो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन है, वो नोट डाउन करना शुरू करूँ, और आपको इसका ग्लिम्स दूँ कि किस तरह मैंने बनाई हुई है। क्योंकि और करंट अफेयर्स मैं अफेयर्स क्लाउड से ही कर रही हूँ, उनके वीडियो सोर्स से, और PDF से मैं पढ़ रही हूँ बस। उससे अलग बस परचम क्लासेस से कभी कभी देख लेती हूँ, और मैंने बस यही फॉलो कर रही हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इधर मैंने डेज लिखे हुए हैं, मार्च के डेज, अप्रैल के डेज, और यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस का सेक्शन थोड़ा बच रह रहा है, और जनवरी की इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के न्यूज़ है इस तरफ, दूसरी तरफ अपॉइंटमेंट है जनवरी के लिखे हुए हैं मैंने, और फरवरी के रहते हैं। और इतने शॉर्ट नोट्स, मतलब इतने शॉर्ट ट्रिक में है कि आपको समझ में नहीं आएगा मैंने लिखा क्या हुआ है किस हिसाब से। तो आप भी इस तरह के चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि एक तरह से रिवाइज़ करने के लिए कुछ होना चाहिए ना हमारे पास। मैं अभी वही अपने जो नोट्स हैं उनको कर रही हूँ, जो मेरे फरवरी के रहते हैं उनको। तो इंग्लिश का फ्री सोर्स है ये, मतलब आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे से आपको चेकलिस्ट डेली के टारगेट्स मिल जाएंगे, निमिषा मैम ने बनाया हुआ है, और वे एडिटोरियल में अक्सर बताती भी रहती हैं, तो मैं यहीं से अपनी चेकलिस्ट कर रही हूँ, और यहीं से वोकेबलरी भी मैं कर रही हूँ। फ्री सोर्सेस पूछ रहे थे कि इंग्लिश का फ्री सोर्स क्या है, तो ये फ्री सोर्स है इंग्लिश का। आप जिसके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी नहीं है वो यहाँ से देख सकता है। और अभी लास्ट वीडियो पे और उससे लास्ट वीडियो पे 2-3 कमेंट्स थे कि हमने जस्ट अभी 12th की है तो हमारे पास, और हमें SBIPO बनना है हमारे, हम अभी से तैयारी करें तो हम क्या क्या सोर्स रखें, क्या ना रखें। तो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप प्लीज़ उनको कमेंट, मतलब आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप क्या सोर्स रखो, क्योंकि अगर आप 12th करके अभी बाहर निकले हो तो अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब बैंकिंग इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट ऐसा नहीं है कि और ऑप्शन नहीं है, आपने 12th किया तो आपके पास तो खुला मैदान है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो सोच समझ के और उसके बाद ले फैसला बैंकिंग का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक प्लीज़ कर देना, और ये भी बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा था वीडियो का, या मुझे क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए।
बिकॉज अभी मैं काम कर रही हूँ कि मेंस को थोड़ा ठीक से करूँ, और होप कि आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो और आप भी मन लगा के पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आते हैं, बस वो हमारे हाथ में है सारी चीज़ें कि हम उसको कैसे लें। और फिर ये चेकलिस्ट पूरी करने के बाद मैंने अपनी अनअकैडमी से ही मैंने हाई लेवल की मेंस की क्वांट्स की वीडियो करी, क्योंकि अभी मैं वीडियो से ही कर रही हूँ। सर जो अपनी चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री वाली, वो मैं नहीं कर रही, क्योंकि अभी मुझसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं जो हार्ड लेवल के हैं। और ये मेरे मॉक के स्कोर हैं आरबीआई असिस्टेंट के, होप कि जल्दी जल्दी इम्प्रूव होते चले जाएं। एक्यूरेसी तो ठीक ठाक थी और परसेंटाइल भी ठीक था, लेकिन अभी स्कोर इम्प्रूव करना है अगर आरबीआई को क्लियर करना है तो। और एग्जाम कभी भी आए, लेकिन हमें लगातार कोशिश करनी है, मेहनत करते रहना है। नोटिफिकेशन कभी भी आके हमें सरप्राइज दे देगा और हम बैठे रह जाएंगे कि ये तो आने नहीं वाला था, ये तो आ गया। तो बस यू नेवर नो, करते रहिए तैयारी और हम जीतेंगे।